चलिए शुरू किया जाए हेडलाइन लगाइए तो पीछे से ए अखिलेश जी ये लाइट ऑफ करिए चलो बेटा हेडलाइन लगा दो तो आप लोग वैदिक गणित हेडलाइन लगाइए वैदिक गणित आज है आपका इसका लेक्चर तीन देखिए कल हम लोग कहां तक पहुंचे थे जरा वो कॉपी आप लोग दिखा दीजिएगा तो हमको एक आइडिया हो जाएगा अच्छा दस जोड़ के सौ जोड़ के हजार जोड़ के ही सब गुना किए थे कल चलो बोर्ड पर देखना आज हम लोग सीखेंगे कुछ और गुना क्योंकि सबसे बेसिक प्रॉब्लम किस चीज में है गुना में जोड़ में थोड़े आपको दिक्कत होता है देखो बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना तो जैसे मान लो आपको गुना करना है बारह गुना तेरह ओके हम देखेंगे देखो आधार तीन गो होता है कलम रख दो दस सौ तो हजार ओके तो तुम ये सोचो कि बारह और तेरह किसके नजदीक है दस के कि सौ के कि हजार के दस के तो बारह यहां उतार रहे हैं बारह दस के नजदीक है तेरह भी दस के नजदीक है तो दस से कितना ज्यादा है दो ज्यादा है ये दस से कितना ज्यादा है तीन ज्यादा है है ना आपको ये देखना है बेटा कि दस से ये कितना अधिक है दस से ही कितना अधिक है ठीक है तो दस से दो अधिक है दस से तीन अधिक है इसको इसको जोड़ दो पंद्रह इसको इसको गुना कर दो हो गया समझ में आया क्या कि ये बारह हाथ तीन जोड़ दिए पंद्रह आ तीन सही है एक और देखते हैं इसे बारह गुना अठारह आपको अभी कलम नहीं चलाना है बारह दस से कितना ज्यादा है अठारह दस से कितना ज्यादा है आठ अब याद करो किसको किसको जोड़े ला बोले इसको भी जोड़ सकते हो क्योंकि दोनों तो बराबर ही आ रहा है देख लो बारह आठ आथ बीस अठारह दो बीस दोनों जोड़ लो बारह आठ बीस आ इसको गुना करोड़ अब ध्यान से देखना सोलह की छाओ हाँ, सिलवा एक इसमें जोड़ो है एक आंसर अब क्या आप लोग अपन मन में बिना कॉपी कलम के कर सकते हैं बोलिएगा नहीं आप लोग बोलते हैं मुंह से आवाज नहीं निकालिएगा सेकंड में गुना होना चाहिए सब सेकंड में देखिए बारह देखो बेटा बारह दस से कितना ज्यादा है आ अच्छा चौदह दस से कितना ज्यादा है इसको इसको जोड़ो इसको गुना करो हो गया करिए गुना कर लिए सब लोग हाँ एक चीज हम आपको दोहरा दे रहे हैं सुनो शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं पढ़ना चाहिए ना हम आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाएंगे ये बस इसलिए पढ़ा दे रहे चार चीज बस जोड़ घटाओ गुना भाग ट्रिक नहीं पढ़ना चाहिए आपको अगर आपको कोई ट्रिक पढ़ाएगा तो कभी भी उसके पास मत पढ़ने जाना हमेशा याद रखो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा क्यों क्योंकि अभी आपका काम है चीजों को अच्छे से समझना क्योंकि ट्रिक हर मैथ पर नहीं लगता जैसे क्षेत्रमिति में ट्रिक नहीं लगता है बेलन शंकु गोला घन घना भायतन त्रिभुज चतुर्भुज नहीं लगता है ज्यामिति में ट्रिक नहीं लगता है ज्योमेट्री बनाओ बनाओ डिग्री डिग्री एक त्रिभुज ये वो जो मैथ है उसके बाद बच्चे सुनो बीज गणित पर ट्रिक नहीं लगता खाली ट्रिक कोची पर लगता है अंक गणित पर आपको ट्रिक अगर कोई पढ़ाए उनको गोल लाग लेना बड़ी दूर से हमार बात मानना कहीं ऐसा ना हो कि अपना भविष्य चौपट कर लो कभी नहीं पढ़ना आपको यूट्यूब वगैरह से कुछ से नहीं चलिए बारह दस से कितना ज्यादा है बारह दस से दो ज्यादा है सत्रह दस से कितना ज्यादा है इसको इसको जोड़ दो उन्नीस इस, आ इसको गुना करो सात दो नहीं देखो चौदह की चार एक इसमें जोड़ो आया था बिना कॉपी कलम के कर पा रहे हैं आप लोग बोलिए नहीं हो गया देखो बच्चे बोर्ड पर ध्यान दे जरा चौदह दस से कितना ज्यादा है सोलह दस से कितना ज्यादा है छ किसी को भी जोड़ दो तिरछा तिरसी तुम किसी को भी जोड़ दो चौदह है छो चौ का इसको इसको गुना करना है फिर एक बार समझ लो इसको इसको जोड़ दिए चौदह चौबीस इसको इसको गुना करो छो का चौबीस की चार है दो इसमें जोड़ दो क्लियर है अब रिभर करिए देखो बेटा ये सब जितने अभ्यास करोगे ना आप लोग तब आएगा ये हम आपको करा रहे हैं दिमाग का एक्सरसाइज क्या आप सभी लोग कर पा रहे हैं इसको कर लिए तेरह बच्चे तेरह दस से कितना ज्यादा है अठारह दस से कितना ज्यादा है इसको इसको जोड़ना है तेरह में आठ जोड़ना है चाहे तो मन करेगा ना तो अठारह में तीनों जोड़ दोगे बात एक ही आना है तेरह आठ इक्कीस अठारह तीन इक्कीस इसको इसको गुना किया जाता है इसको इसको गुना किया जाता है फिर से एक बार समझ लो तेरह आठ जोड़ दो इक्कीस आया अट्ठी रिक देखो चौबीस की चार आई दो इसमें जोड़ देना बिना कॉपी कलम के कर ले रहे हैं चलिए अब आप एक काम करें सवाल उतार लीजिए केवल सवाल उतारिएगा गुना घरे करना है एक को ट्रिक वो उतार ली एक आधग गो इसे बना के उतार ली है ताकि घरे याद रहते वो अगर भूल जाए तो यूट्यूब पर वीडियो डालल रहेगा आप लोगों का स्कूल मॉर्निंग कब से होगा चलिए नोट कर लिए तो अभी-अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसका आधार सौ है तो गुना चुटकियों में कैसे करते हैं अब इसको मान लो देखो बेटा आपको मान लो ऐसे गुना मिल गया तेरह गुना पंद्रह अब ध्यान से सुनना इसको सोचना ऐसे दस से तीन ज्यादा है पांच ज्यादा है तो तेरह पांच अठारह पांच ज्यादा है नहीं पांच ज्यादा है तेरह पांच अठारह अब तीन ज्यादा है पांच ज्यादा है तो पांच तिया पंद्रह पंद्रह के पांच एक हंसे हाँ में जोड़ देंगे अठारह एक उन्नीस एक सौ पंचानवे कहा कोई कॉपी कलम की जरूरत है चलिए बोर्ड पर नजर टिकाए रहे बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़ रहे हैं देखिए जानते हो बच्चे आप लोग एथ क्लास में हैं। आप लोगों के तीन क्लास वाले मित्र होंगे कौन कौन क्लास के सिक्स वाले भी कुछ हो जाएंगे मित्र सेवन वाले एथ वाले कुछ के नाइन वाले भी इतनी दूर तक आपका सर्किल है मैंने जो आपको रिजल्ट को लेकर के बताया उनको कभी बात निकले तो उनको आपको समझाने की जरूरत होती है समझे क्योंकि ये जो अभी हम बता रहे थे यह आश्चर्यचकित करने वाली बात थी संभव नहीं है कभी ऐसा तो ये सब चीज दिमाग में होना चाहिए क्योंकि देखो आज के दुनिया में जो है ना बूढ़ पुरानिया से पूछना चाहे कहियो कहबो के होंगे दादा दादी कल बल छल तब दुनिया में चल समझ गए यानी कि अबू जबाना नहीं रहा बच्चे जैसे तोरा कोई सोझे सोझे कहेगा उसे सोझे सोझे कभी मत सोचना एक ऐसा ढेर तो नहीं प्रश्न सुना होगा कोई कहता है पचास रुपया दुकान पर लेके गेली इतना के ही खरीदली इतना के ही खरीद ली तो इतना कहां से बच गए ऐसा कोई आपसे कभी पूछा होगा अब जैसे सवाल किया वैसे ही सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी कहने का मेरा अर्थ है कोई व्यक्ति क्या बोलाई महत्वपूर्ण नहीं है क्यों बोलाई महत्वपूर्ण है अभी सी बात याद रखना अगर तोर कोई प्रशंसा कर रहा है जैसे आप गर्ल्स हैं कोई आपको कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं है ना बहुत अच्छा बोलते हैं बड़ी तेज है बड़ी सुंदर है ये सब चीजें अगर आपको कोई कमेंट कर रहा है अलर्ट रहो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो क्या कह रहा है महत्वपूर्ण यह है कि क्यों कह रहा है इसमें उसका स्वार्थ क्या है हम लोगों में नब्बे परसेंट हम लोग बैठे हुए इंसान जो यहां बैठे हैं हम लोगों में एक सबसे गंदी आदत है कोई तुम्हारा बड़ाई कर दे तो फूल जाओगे आ कहोगे बड़ी अच्छा आदमी है जो तोर बढ़िया किए ना उसको तुम खूब अच्छा आदमी मानेगा आज ये तोर शिकायत कर दिया उसको तुम बुरा आदमी मानेगा ऐसा मत मानना सुनो जो मुंह पर बुराई करे मुंह पर बुराई करे पीछा में ना तोरा अकेला में ले जाके उन्हें कोना में आ तोरा खूब डांटे ऐसे करी थे रे है ये ठीक बात ना हो तोरा कोई कहे ऐसे करी थे तू आज के बाद हम तोर सखी ना रहेंगे तो तोर परम मित्र है याद रखना हमारे बात तो परम मित्र है जो तुमको अकेला में तोर शिकायत करे परम मित्र है बेटा हाँ आप पीछा में तोर बड़ाई करे पीछा में तोर ना करे में परम मित्र है लेकिन हम लोगों की आदत क्या है जो मुंह पर शिकायत कर दिया वो कल से हो गया दुश्मन यही से यही चीजें सीखना है, सब चीज़ किताब में नहीं सिखाया जाता मेरी बात याद रखना और हाँ जो तुरा में बुराई करे दस लोगों के बीच में बुराई करे वो तो पक्का दुश्मन है लिख लेना इस बात को जो दस लोगों के बीच में तोर शिकायत कर रहा हो तो पक्का दुश्मन है आज जो तोरा तो 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 अकेला में ले जाके खूब डांट फटकार रहा हो तो खूब शिकायत कर रहा हो वो तोर परम मित्र है वो तोर शुभ चिंतक है यह उन्हें तुमको समझा रहा है बुझाया जैसे तुम बच्चे हो कुछ गलती करते हो बोलते हैं चलो उधर खड़ा रहना तो हम आएंगे तब चल जाता है तुमको बुलाते हैं डांट फटकार लगा दिया गया तो समझ जाना सर तुम्हारे अपने क्योंकि कुछ या निंदा तुम्हारा पीछा में कभी किया गया क्या नहीं जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना बच्चों तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा केवल मैथ पढ़ने से हम आपको मैथ तो पढ़ा देंगे दस रुपया कमाने लायक बना देंगे लेकिन जीवन जियोगे कि नहीं जी पाओगे खुश रहोगे कि दुखी रहोगे ये डिपेंड करता है बाहरी ज्ञान पर और वो ज्ञान अभी से ही लिया जाता है तो मित्र और दुश्मन की परख हो जाएगी कोई मुंह पर बड़ाई करे पीछा में शिकायत करे बाप रे बाबू सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक है वो याद रखना कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तुम्हारे सामने तो खुश मत होना एकदम खुश मत होना ये खुश होने वाली बात नहीं है कोई ना कोई उसका स्वार्थ है इसीलिए तुमको अच्छा कह रहा है झाया हमको हमको भी कोई आगे कहता है ना मास्टर साहब अपने लिखा है जी अरवल जिला में कोई टीचर ना है अब मान लो कहियो पहले हमारे बड़ाई ना किया हो कहीं अब मुहुआ पर करता है तो हम जान जाते हैं इसको कुछ ना कुछ हमारा से काम है तभी हमारा फुला रहा है चना के झाड़ पर चढ़ा रहा है तो हम लोग समझदार हैं आप बच्चे हैं ना आपको कोई मुंह पर प्रशंसा करेगा तो आप खूब खुश हो जाइएगा ऐसा नहीं होना है ठीक है एलर्ट जखनिए कोई मुंह पर बड़ाई करे लगल ना बेटा उ दोनों कान खाड़ कर लेना बाप रे बाप बापे जरूर कुछ ना कुछ करेगा ये कलम मांगेगा चाहे दस गो रुपया मांगेगा अलर्ट रहना है वैसे नहीं कर रहा है बड़ाई आपका चलिए आधार सौ वाला गुना सीखते हैं अगर वीडियो देखो कोई चीज समझ में नहीं आए यूट्यूब पर वीडियो ही रहेगा फिर से पीछे जा करके शुरू से देख लेना दस बार देख लेना लेकिन गुना करना है बिना कॉपी कलम के वीडियो चला देना सूत जाना इसे हाथ में मोबाइल लेके जखन ये गुना आएगा अपन मन में गुना करके आ रखना कि इतना आया मेरा तब जब हम समझाएंगे तो मिला लेना ओके ये होगा मेंटल एक्सरसाइज हम लोगों ने सात दिन का एक कोर्स रखा है वैदिक गणित का बस सात दिन का ताकि आपका पूरा मेंटल एक्सरसाइज करा दें सुनिए देखो बेटा चलिए हमें को गुना दे रहे बोर्ड पे है सोचो तो किसके नजदीक है दस के सौ के सौ के तो इसका आधार सौ हो गया याद रखना याद रखना आधार सौ है पूरी तरह से बोर्ड पर फोकस करिए आधार सौ है सौ से कितना ज्यादा है इस सौ से कितना ज्यादा है इस सौ से कितना ज्यादा है दो यहां तक तो वैसे ही है यहां तक का पूरा वैसे ही बनवे करेगा इसमें ही जोड़ दो 107 में दो जोड़ो एक सौ नौ इसको इसको करो गुना चौदह सुनिए सुनिएगा हाँ इसमें चौदह की हो लिखाएगा हाँ सिलवा एक नहीं जाएगा उधर क्यों सर सुनिए, बेटा, सौ में कई जीरो होता है दू गो जीरो होता है यह चलते यहाँ आपको दू गो अंक लिखना है आ दस में कई अंक होता दस दस में कई जीरो तो मैं एक एक अंक वाले लिखते थे गो पैंचा ले लेते ले थे उन्हें जोड़ देते थे अच्छा खुद सोचो अगर यहाँ खाली चारे आता तो क्या करते यहाँ अपन मन से जीरो बैठा देते फिर एक बार आराम से सुनिए सौ में दू गो जीरो है सौ में दू गो जीरो है इसलिए सौ में दो गो जीरो है इसलिए यहां पर हमको दो गो अंक चाहिए सात दूनी चौदह दो अंक मिल गया हम खुश हो गए लेकिन अगर यहां एक गो अंक आता खाली चार तो यहां देते एगो जीरो अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि सर पिछला मैथ में तो आप पिछला मैथ में आप ये चौबीस में के दो इसमें भेज रहे थे इसको तो नहीं लिख रहे थे चौबीस के चौबीस इसलिए क्योंकि इसका आधार दस था दस आधार दस में एक जीरो होता है तो हमको खाली चार की जरूरत थी दो की जरूरत नहीं थी क्या अब क्लियर हो गया है चलिए और काम करते हैं दिमाग में रखिएगा चलिए करिए गुना जब देखते गुना कर दोगे हो गया गुना सौ से तीन ज्यादा है पीछे बच्चे सौ से ही तीन ज्यादा है सौ से, से ही छो ज्यादे है इसको इसको जोड़ दो एक सौ इसको, इसको इसको गुना करो हो गया वैसे ही बनेगा चिंता नहीं करना है अरे बेटा ऐ एक सौ आठ सौ से आठ ज्यादा है इस सौ से बारह ज्यादा है इसको इसको जोड़ दो एक सौ बीस अब बारह थे देखो तो सेकंडों में गुना हो रहा है अब एक काम करेंगे हम लोग चार को गुना दे रहे हैं आप कॉपी का उपयोग करेंगे लेकिन गुना कर लेना ना खाली अंसरवा लिख लीजिएगा ताकि जब मिलाएं तो आपको लगे हाँ हमारी आय को दे रहे हैं आपके दिमाग यूज करेला लास्ट वाला में दिमाग लगाना बनाइए चलो बनाओ बेटा कॉपी पर नहीं गुना करना है जी खाली आंसर लिख सकते हैं आप अपने कॉपी पर बन गया देखिए हम आपको उतारने के लिए नहीं बोले थे आप उतारिएगा तो गड़बड़ है ना सुनो बोर्ड पर ध्यान देना हम भी देखो लिख देते हैं गुना कितना आएगा ऐसे मन में सोचना है दू जादे ये छ जादे बारह छ अठारह छह दूनी बारह एक हासीवा जुड़ेगा एक सौ बानवे देखो ये सात जादे पांच जादे बाईस सात पच्चीस पैंतीस दो सौ पचपन ये देखो ये दो जादे ये तीन ज्यादे एक सौ पांच जीरो अपन मन से लगावे पड़ेगा ताकि तीन दुनिया छावे ना हो रहा है गुना करके को जीरो डाले ओह एक सौ पांच होना चाहिए एक सौ पांच होना चाहिए ये देखिए पंद्रह ज्यादा एक सौ इक्कीस नब्बे आया था देख लो एक सेकंड में हम कर दे रहे हैं ऐसे ही आप अभ्यास करोगे तो एक सेकंड में करने लगोगे सही हुआ देखो ये ज्यादा है ये ओला छो ये पंद्रह ज्यादा तो इसको इसको जोड़ दो एक सौ छ में पंद्रह जोड़ोगे तो एक सौ इक्कीस आप पंद्रह छक नब्बे आप समझे चलो अगला देखो ये बारह ये है तेरह हैं सौ से ही बारह जादे है सौ से ही तेरह जादे, जादे, तेरह जादे इसको इसको जोड़ दो एक सौ ऐसे ही लिख रहे हैं हम एक सौ इसको इसको गुना करो तेरह गुना बारह एक सौ छप्पन एक इसमें जोड़ो क्यों क्योंकि सौ में दो जीरो हमको दो दूगो अंक के काम है ये गो एक्स्ट्रा हो गया है एक इसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा ये एक सौ छब्बीस छप्पन यही हम बोले थे कि वो आपके दिमाग ला छोड़ रहे हैं। हमको यहां तीन अंक नहीं ना चाहिए दो अंक ना चाहिए ते तीन अंक है तो एक बार उन्हें भेज दोगे सबको क्लियर है अब आप सवाल उतार लीजिए बनाना घरे है एक बना लो उतार लीजिएगा सब क्वेश्चन उतार लीजिए आ किसी को नहीं समझ में आया हो तो खड़ा होकर पूछ सकते हो मैंने कितनी बार कहा है आप पूछने के लिए बिल्कुल फ्री है आपको पूछना भी चाहिए पूछने में डरना मत मैं कभी घुस नहीं हूं आप आपस में बात करोगे तो पिटा जाओगे क्लास में गप नहीं करिए आपका सरकारी स्कूल नहीं है भाई यहाँ देख रहे हैं दो टीचर परमानेंट एक्टिव हैं आपके क्लास में एक हम पढ़ा रहे हैं सर आपके बीच में है पिटा जाइएगा ना आपके स्कूल वाला बात थोड़े नोट कर लिए सारा क्वेश्चन अभी तो अभी तो कहानी शुरू हुई है ध्यान देना बोर्ड पर देखो बच्चे अब एक चीज माइंड में आ सकता है कि अगर ऐसा गुना होता तो कैसे करते बानवे गुना अंठानवे वैसे नहीं करना है जब आप सोच रहे सुनिए अरे बेटा पीछे सौ से कई कम है ये आठ कम है माइनस आठ है ये कम है तो माइनस लगा देंगे इस सौ से कई कम है नियम वही है इसमें इसको जोड़ो लेकिन इस बार जोड़ेंगे नहीं क्योंकि घटाव है तो घटा दो नब्बे क्योंकि चूंकि यहां माइनस दो है इसलिए घटा देंगे बानवे में से दू गया नब्बे इसको इसको गुना करो ऐसे गुना तुम तो ना सिखाए है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो खैर प्लस लिखा था नहीं आपका सोलह सही था कहना लेकिन आप ध्यान नहीं दिए थे माइनस वापस ध्यान उस पर देना है दोनों में माइनस है तो टेंशन नहीं है दोनों में माइनस है तो कोई टेंशन ना है आठ दो नहीं हो गया वही नियम तो है बदल गई है फिर से एक बार समझते हैं सुनिएगा ये बानवे है ये तो सौ से कै कम है आठ तो माइनस आठ लिखना कम है तो माइनस ये अंठानवे है सौ से कह कम है दो तो माइनस दो अब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह माइनस है प्लस रहता है तो जोड़ देते हैं अगर यहां चिन्ह प्लस होगा तो जोड़ेंगे माइनस है तो घटाएंगे बानवे में से दो गया नब्बे इसको गुना करो इसको इसको हमेशा गुने ना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस आठ दो नहीं सोलह अब क्लियर हुआ चलिए माइंड में करिए गुना कलम कॉपी का उपयोग ना करें संतानवे गुना पंचानवे कर लिए कर लिए गुना सौ से कह कम है इस सौ से कह कम है पांच पीछे बच्चे यहां तक समझ में आ रहा है इसमें से इसको घटा दो। इसको करो करोगा कितना आसान है सोचो तू तो। हो गया इतना देर में तो कखन हो जाना चाहिए था कर लिए गुना देखो ए हंड्रेड से छ कम है आई सौ से चार कम है इसमें से इसको घटा दो अच्छा का क्लियर है अब देखो मामला फंस जाएगा अब अलर्ट हो जाना अब इसमें क्या फर्क आया पहले उसमें या इसमें इसमें कहा था कि दोनों सौ से कम था अब एगो सौ से ज्यादा है या एगो सौ से कम है इसीलिए अब अलर्ट रहना है सुनिएगा बच्चे सौ तो से ही कहे जाते हैं ज्यादा है तो प्लस दो है ऐसे प्लस नहीं लिखते हैं लेकिन हम आपके लिए लिख दिए कि कम है कै कम है सचेत हो क्या कि इस बार नियम कुछ चेंज हो जाएगा घटाइए घटाव के रहता है तो घटाते हैं ना अभी ना समझाए हैं नहीं सन्तानवे में से पांच गया बानवे वैसे एक सौ दो में से चार गया अभी तक तो नियम वही है अब चेंज करेगा चार दो ने प्लस माइनस यहां तक आप अच्छा से देख लो खाली फिर से आपको रिमाइंड कर रहे हैं सुनिएगा एक सौ दो सौ से सौ से हंड्रेड से दो ज्यादा है तो प्लस दो छियानबे सौ से चार कम है तो माइनस इसमें से इसको घटा देना है क्योंकि यहां चिन्ह है माइनस का इसलिए घटा रहे हैं अगर यहां प्लस होता तो जोड़ देते 102 में से चार गया अंठानवे इसको कर रहे हैं गुना इसको इसको गुना कर रहे हैं तो याद रखना दो रंग के चिन्ह हो तो माइनस गुना में आपको सिखाए हैं हम चार दो नहीं यहां तक क्लियर है अब ध्यान देना अब यहां से एक इसमें भेजेंगे एक का मतलब सौ तो। क्योंकि बेस क्या है सौ है इसका अब ध्यान देना अंठानवे में से एक चल गया एक चल गया है संतानवे सौ में से आठ घटाओ हो गया आई बार समझ में इसमें से एक इधर भेजना है आपको एक भेजोगे तो इतना बच जाएगा संतानवे एक का मतलब सौ क्योंकि इस मैथ का बेस सौ है सौ में से आठ गया चलिए उतारिए एगो बनावल भी उतारिएगा हमेशा जब भी आप उतारे तो एगो बनावल भी उतारे यही है बच्चे वैदिक गणित देख रहे हो ना कितना स्पीड में गुना भाग हो जाता है बिना कॉपी कलम के बच्चों को मेन दिक्कत है गुणे करे में गुणे करे में बड़ी टाइम लगाते हैं हो गया चलिए अब एक गुना आपके लिए है दिमाग में करना है कॉपी पर तो करना नहीं है सात दिन जब वैदिक गणित पढ़ा लेंगे ना तो आपसे खड़ा करके पूछेंगे कि इसका जल्दी से समय देंगे पांच सेकंड में जवाब दीजिए जवाब नहीं दिए तो पिटा जाइएगा ये चलते घरे इसको खूब अपने से अभ्यास करना ऐसा ऐसा लिख लिख के अपने से ना लिख सकते हैं एक सौ चार गुना बानवे एक सौ छुना संतानवे एक सौ आठ गुना एक सौ दस गुना बानवे एक सौ बारह गुना छियानवे कुछ लिख लेंगे अपना क्या सभी लोग कर लिए देखो ऐसे सोचना है तीन ज्यादा है चार कम है देखो बिना कलम चलाए बना देते हैं तीन ज्यादा है चार कम है 103 में से चार गया 99 आ चार बारह माइनस बारह तो एक इसमें से उधर भेज देंगे तो इधर जाएगा अंठानवे और उधर सौ में से बारह गया 88 चलिए फिर से देख लीजिए बच्चे ये तीन ज्यादा है ये चार कम है इसमें से इसको घटा दो 103 में से चार गया 99 चार तिया अब एक इधर भेजना है एक के मतलब सौ क्यों गया या सौ में से बारह गया 88 समझे अरे लड़का आ सौ में से मान लो तुमको बारह घटाने के लिए कोई कह रहा है आ तुमको घटाने में दिक्कत है तो सौ में से पहले दस घटा लो नब्बे फिर दो घटा लो अठासी हो गया तुमको यदि कोई कह रहा है कि एक सौ तीन में से चार घटाओ दिक्कत हो रहा है तो पहले एक सौ तीन में से तीन घटा लो एक सौ तीन में से तीन गया सौ आ फिर एक घटा लो निन्नावे अपना बुद्धि लगाओ ना तोड़ो सिखाए थे ना तोड़ने के लिए चलिए आगे लिखिए और करिए गुना कॉपी नहीं चलाना है भैया कॉपी का यूज नहीं करना है समझ तो में आ रहा है देखिए बच्चे 104 सौ चार चार ज्यादे है आई दू कम है इमें से ही घटा दो चार दू नहीं एक इधर भेज दो सौ सौ में से आठ गया कर पा रहे हैं आप लोग ये बारह ज्यादा है ये चार कम है एक सौ बारह में से चार घटाओ अब अड़तालीस एक इधर से इधर भेज दो सौ में से अड़तालीस गया बावन ऐसे सोचो सुनो कोई कहेगा ना कि सौ में से अड़तालीस घटाओ तुमको दिक्कत है ऐसे घटाओ ऐ सौ में से पचास घटा दो सौ में से क्या घटा दो पचास तो आएगा? पचास और तू ज्यादा घटाए थे तो तू जोड़ दो अरे ये अड़तालीस है आप घटा दिए पचास तो तू ज्यादा घटा दिए ना तो तू फिर जोड़ दो दिमाग चलाओगे ना तो मैथ आसान लगेगा ना गुना भागा में पिसा के रह जाइएगा जैसे सोचो इसको घटाने के एक दिन उपाय बताए थे ना आपको कैसे घटाए थे ये चार है ना चार है अब यहां वाला में ही सोचो कि क्या जोड़े कि नौ हो जाए यहां वाला में ही सोचो कि क्या जोड़े कि नौ हो जाए इसको नौ में से घटा दो पांच यहां वाला को दस में से घटा दो चार अब आगे गया यहां वाला जो रहेगा उसको नौ में से घटा दो यहां वाला के दस में से घटा दो एक को ट्राई करके देख लो पहले वाला नियम से मत घटाइए अभी जो बताए उसे घटाइए हम कहा बोले इसको नौ में से घटा दो इसको दस में से घटा दो दस में तीन गया सात नौ में सात गया बजाया। तो आज जितना पढ़े उसको अब आप नोट कर लीजिए धारे बनाइएगा ऊपरे वाला बाकी उतार ले थे ना याद रखिएगा हम आपको खड़ा करके पूछेंगे अब पांच सेकंड में बताना होगा पांच सेकंड से ज्यादा समय लिए तो पिटा जाएंगे इसलिए घरें इसको खूब अभ्यास कर लेना